कांग्रेस की हुकूमत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई नुक्ताचीनी का वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इख्तदार में आने के दो दिन के अंदर हमने खवातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत हमने 10 लाख रुपये तक इलाज की सहूलत शुरू की। RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत शुरू की गई। साल ख़त्म होने से पहले हमने उसे नाफिज किया। 22 लाख किसानों के लिए मुल्क में सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ी की गई। हमने सिर्फ 25 दिनों में 18,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की। BJP की हुकूमत वाली रियासतों में घरेलू पकवान गैस की कीमतें ज़्यादा हैं। तेलंगाना में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर स्कीम से अब तक 43 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। हम बड़ी तादाद में जॉब प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। हम ग्रुप इम्तहानात बाकायदगी से मुनक्किद कर रहे हैं। 11 महीनों के अंदर 50,000 से ज़्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रात किए गए हैं। तकर्रात के मामले में BJP की हुकूमत वाली किसी भी रियासत के मुकाबले तेलंगाना आगे है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हॉस्टल के तुलबा के डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% से ज़्यादा इजाफा किया गया है।